तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, एडवाइजरीज जो जारी की गई है ट्रैफिक को लेकर, मेट्रो को लेकर, क्योंकि लगातार लोगों से अपील की गई है कि अगर आप को बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो आप एक तो बाहर ना निकलिए। और दीपक क्या कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी रोहिणी से, वो भी जरा आपको दिखाते हैं। आज किसानों ने दिल्ली पुलिस का ऐलान किया था और उसके बाद जो है दिल्ली के बॉर्डरों को सील करने का जो काम है दिल्ली पुलिस ने काफी समय से शुरू कर दिया था। और आज की जो तस्वीर है टिकरी बॉर्डर की, वो टिकरी बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी तैनात किए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं सतर्क है और लगातार है। अब प्रशासन कहीं ना कहीं इस मामले में सुरक्षा को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरतने वाला, क्योंकि जिस तरीके से पहले जो है किसान आंदोलन के समय में जो तस्वीरें सामने आई थी, जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल था और सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं उस तस्वीरों ने प्रश्न चिन्ह जरूर लगाए थे। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की तरफ से बैरिकेड के साथ साथ यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ साथ वाटर कैनन की जो गाड़ियां हैं वो भी तैनात की गई है। और खासतौर पर यहाँ पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी पूरी सुरक्षा को लेकर नजर बनाए हैं और ड्रोन से इस पूरे एरिया पर नजर रखी जा रही है। हर आने जाने वाले वाहन पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है। और साथ ही यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये बैरिकेड है, बैरिकेड भी किस तरीके से तैयार किए गए हैं। बैरिकेड के ऊपर जो है कटीली तारे लगाई गई है ताकि यहाँ पर जब किसान एंटर करे तो एंटर करने से पहले ये बैरिकेड जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर जो है आगे बढ़ा दिए जाए और कोई भी बैरिकेड के ऊपर से जो है ना आ पाए। इसके साथ ही कंटेनर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है सुरक्षा को लेकर यहाँ पर कंटेनर भेजे गए हैं। अगर ऐसे में यहाँ पर यहाँ तक अगर जो है किसान पहुंचते हैं तो दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पर बैरिकेड के साथ साथ यहाँ पर जो तमाम इंतजाम दिल्ली पुलिस ने किए हैं वो साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसी भी तरीके से जो पुलिस है अब इस मामले में कोताही नहीं बरतना चाहती है। अगर यहाँ पर किसान आते हैं तो यहाँ पर उन्हें रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। आपको बता दें कि वो भी एक दौर था जब यहाँ पर किसान करीबन एक साल से ज्यादा का वक्त धरना देकर बैठ गए थे और आमतौर पर यहाँ पर जो है आने जाने वाले लोगों को और यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और साथ में ही एक मार्केट है उसका जो व्यापार है वो पूरी तरीके से ठप पड़ गया था। ऐसे में अब यहाँ आसपास जो बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है और उन्होंने भी मेट्रो पिलर पर कुछ पोस्टर्स लगाए हैं और उन्होंने साफ तौर पर ये अपील की है कि हमें व्यापार करने दे, हमारा भी परिवार है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है अपील की जा रही है और लगातार जो है यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ यहाँ पर कड़ी निगरानी जो है की जा रही है। तमाम आने जाने वाले लोगों को थोड़ी समस्या का जरूर सामना करना पड़ रहा है लेकिन पुलिस इस जगह को लेकर इस जगह पर पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है। तो देखिए पुलिस लगातार सतर्क नजर आ रही है। टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, दिल्ली के चाहे बड़े बॉर्डर्स हो या फिर छोटे बॉर्डर्स हो, लगातार वहां पर पुलिस की तरफ से पुख्ता सुरक्षा के लिहाज से बंदोबस्त किए गए हैं और सील बंद कर दिया गया है अब बॉर्डर्स को। और इसके साथ साथ ठीक उसी तरह की तस्वीर हरियाणा में भी नजर आ रही है। वहीं किसानों की अपनी तैयारी है, उनकी तैयारियों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अपने ट्रैक्टर्स के साथ वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे और लगातार किसानों की तरफ से ये जिद भी उनकी नजर आ रही है। वो अड़े हुए हैं अपने दिल्ली कूच के ऐलान पर, हालांकि ना उनको हरियाणा में आने को लेकर परमिशन है ना कि दिल्ली। क्या था, क्या क्या वहां उस समय चीजें हुई, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अपना इनपुट जो है पुलिस के अधिकारियों को मिलता रहे। लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट हो चुकी है, जैसे कि सरवन सिंह पंधेर ने कहा, उसने कहा कि हम चाहे गोली चले चाहे लाठी हो, हम दिल पे लेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो चुका है कि वो पुलिस के कहने के बावजूद भी नहीं रुकेंगे। और हरियाणा पुलिस कह चुकी है कि हम तैयार हैं, आपको दाखिल नहीं। तो देखिए अमित, हमारे सहयोगी लगातार शंभू बॉर्डर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर पुलिस की तरफ से देखिए लगातार बंदोबस्त किए जा रहे हैं। विजय राणा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट हो गए। जी विजय, तस्वीरें दिखाइए वहां से, क्या कुछ जानकारी वहां से। में जो है पुलिस ने इतने कड़े प्रबंध किए हैं, यानी इस बार पुलिस ने ऐसे प्रबंध किए हैं कि किसी भी सूरत में हरियाणा में प्रवेश नहीं करने देना चाहती पुलिस। हम इस समय चंडीगढ़ में मौजूद हैं, हालांकि चंडीगढ़ में भी धारा 144 लगाई गई है और यहां पर भी एहतियात पुलिस की ओर से बरती जा रही है चंडीगढ़ पुलिस की ओर से, लेकिन जिस तरह से हरियाणा में जो प्रबंध किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस समय प्रबंध किए गए हैं। खासतौर पर जो पंजाब से लगते हुए जो जितनी भी सीमाएँ हैं, चाहे वो अम्बाला पंजाब बॉर्डर है या कुरुक्षेत्र पटियाला
बांदा बॉर्डर है या डब्बाली बॉर्डर है, इसके अलावा रूट डाइवर्ट किया गया है। और अगर हम जीटी रोड बेल्ट की बात करें तो करनाल के बाद लगभग लगभग चंडीगढ़ तक पूरी जीटी रोड को जो है कई जगह पर सील किया गया है, यानी जीटी रोड के ऊपर किसान ना चढ़ पाए और जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। अगर दिल्ली से जो लोग चंडीगढ़ आते थे वो सीधा जीटी रोड के माध्यम से यहाँ पर पहुँचते थे, लेकिन अब उन्हें करनाल के बाद यमुनानगर जाना पड़ेगा, यमुनानगर से पंचकुला आना पड़ेगा और फिर वो चंडीगढ़ पहुँचेगा, और यही रूट बनाया गया है दिल्ली जाने वालों के लिए। तो इस तरह ट्रैफिक जो व्यवस्था है उसे बदल दिया गया है पूरी तरह से, और लोग काफ़ी इस समय परेशानी में हैं, लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि जिन रास्तों खोला गया है वो रास्ते जो है वो इतने बड़े हाईवे नहीं थे, लेकिन अब वहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वहाँ पर भी जाम की स्थिति बनी हुई है, चाहे यमुनानगर की बात कर ली जाए या करनाल। क्या दे हक लैन आए हैं पर लेके जावे उन्नी देर तक अभी वापस नहीं जावे, जिन्नी देर तक सरकार सानू लिखती मैनोफेस्ट लिख के नहीं देंदी, जिदे विच स्वामीनाथन रिपोर्ट का मोदी जी ने कहा सीगा है उदों अगे अपने जिहड़े कानून जिन्हें भी इन्होंने कहा सीगा कानून बनावांगे वो कोई भी कानून लागू नहीं किया, कहण नू अखबारां ते जां टीवी चैनल ते कहा जा रहा भी असीं सारे ही कानून लागू कर दिते आ, जिवें स्वामीनाथन रिपोर्ट हो गए, MSP गरंटी कानून हो गया, होर भी सारे, पर उन्हां च कोई भी नहीं जे होया ये सरकार। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। फतेहगढ़ साहिब की पहली ये तस्वीर है पंजाब से, जहां पर किसानों ने देखिए अपने ट्रैक्टर निकाल लिए हैं और दिल्ली की ओर बढ़ने लगे हैं। वहीं शंभू बॉर्डर की भी तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। शंभू बॉर्डर वही बॉर्डर है जहां पर सभी किसानों ने इकट्ठा होना है और वहीं से उनके आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी और वहीं से वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे। ये दो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया पर आप देख रहे हैं, जहां पर किसानों की तरफ से उनकी जिद और जिस तरह से वो अड़े हुए थे कि उनको दिल्ली की ओर अग्रसर रहना है उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है, और जिस तरह से जानकारियां भी मिल पा रही थी कि हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की ओर बढ़ेंगे, लगभग 20,000 किसान पूरे राशन के साथ, लगभग एक महीने के राशन के साथ वो दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि पूरी तैयारी के साथ वो बढ़ रहे हैं। इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त न सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर्स पर किए गए हैं पर हरियाणा के बॉर्डर्स पर भी किए गए हैं कि हरियाणा में ही एंटर नहीं करने दिया जाएगा, दिल्ली अगला पड़ाव होगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि किसान संगठनों की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है, इस वजह से उनको दिल्ली की ओर रुख करना पड़ रहा है। और ठीक उसी तरह की तस्वीर अब सामने भी आने लगी है, लगभग 10 बजे के लगभग ऐसा कहा भी गया था कि अरदास के बाद किसान अपनी तमाम ट्रैक्टर ट्रॉलीज के तहत और उनके साथ दिल्ली की ओर कूच करेंगे, और ये देखिए उसी तरह की तस्वीरें अब सामने भी आने लगी है, किसान अब आगे बढ़ने लगे हैं। और